हीरोज जैसा कुछ नहीं होता, सिर्फ लूजर्स होते हैं। यहां तक पहुंचना मुश्किल था। शक्ति से दुनिया झुकती है, इसे हासिल कर लो। तुम्हें मारा नहीं, बचाया गया है। कृष्णपुर को लेकर राकेश रोशन ने कृपया अपनी कुर्सी की पेटी बांध ली। क्या होती है ग्रीन स्क्रीन एडिटिंग? स्वागत है आपका इस वीडियो में, जहां आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की मोस्ट बिलव्ड एक्शन मूवी क्रिश के बारे में। कोई मिल गया से लेकर क्रिश 3 तक इस मूवी ने अपने एक्शंस में काफी इम्प्रूवमेंट की है, और आज हम बात करने वाले हैं इनके अपकमिंग प्रोजेक्ट क्रिश 4 के बारे में। राकेश रोशन ने ये दावा किया है कि वो क्रिश 4 मूवी के साथ इंडिया में सुपर हीरो जॉनर को एक अलग ऊंचाई पर पहुंचाएंगे, ताकि फ्यूचर में इंडिया में भी सुपर हीरो मूवीज को एक्सप्लोर किया जा सके और अपना अलग सुपर हीरो यूनिवर्स तैयार किया जा सके। सुपर हीरो जॉनर में फिल्म्स बनाने का सबसे बड़ा रिस्क होता है फिल्म का बजट, क्योंकि इन फिल्म्स में मूवी के बजट के अलावा एडिटिंग के बजट पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, क्योंकि फिल्म में स्पेशल इफेक्ट्स, वीएफएक्स और एडिटिंग पर बहुत ज्यादा खर्च आ जाता है। एक सुपर हीरो मूवी बनाने के लिए सबसे बड़ी जरूरत होती है फिल्म में स्पेशल इफेक्ट्स, एडिटिंग और फिल्म में इस्तेमाल की जाने वाली डिटेलिंग की, क्योंकि किसी भी सीन को 3D इफेक्ट देने के लिए उसमें एडिटिंग की जरूरत होती है, और इसके लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है ग्रीन स्क्रीन एडिटिंग। ग्रीन स्क्रीन एडिटिंग में पूरे सीन को एक स्टूडियो में शूट किया जाता है, जहां चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ ग्रीन क्लोथिंग रहती है, और एडिटिंग के वक्त एडिटर्स इस ग्रीन स्क्रीन को हटाकर सीन को बैकग्राउंड फ्री बना देते हैं, और जिसके बाद वो सीन में कुछ भी ऐड कर सकते हैं और इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है एवेंजर्स एंडगेम, जिसमें एडिटर्स ने वीएफएक्स के जरिए फिल्म की एडिटिंग की थी। क्रिश 4 में राकेश रोशन कौन सा नया इम्प्रोवाइज्ड एक्शन लेकर आने वाले हैं, ये तो फिल्म के रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। तब तक आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको क्रिश के कौन से सुपर पावर्स सबसे ज्यादा पसंद हैं। हम फिर मिलेंगे ऐसे ही मजेदार अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।